बहादुर, बिना कीमत चुका के इस दुनिया में कुछ नहीं हासिल होता और आजादी का कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको बोल देता हूँ, तुम मुझे खून दो, मैं तुझे आजादी दूंगा। जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। यह दिन साहस को सलाम करने का है। पराक्रम दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। बच्चों को स्कूल कॉलेज में इस दिन का महत्व बताया जाता है और स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की याद को तैयार किया जाता है। पद्मश्री गोपाल प्रसाद व्यास द्वारा लिखी गई यह कविता कूनी हस्ताक्षर। इस कविता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने देश के युवाओं को यह कहा होगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कूनी हस्ताक्षर। वह कून कहो किस मतलब का, जिसमें उभार का नाम नहीं। वह कून कहो किस मतलब का, आ सके देश के काम नहीं। वह कून कहो किस मतलब का, जिसमें जीवन नरवाणी है। जो परवश होकर बहता है, वह कून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही कून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। तुम बहुत जी चुके जग में, लेकिन आगे मरना होगा। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है। यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। वो आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता हो। वो आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो। वो आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठे, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में लो हम अपना रक्त गिराते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही आते थे। चाकू छुरी कटारिया से वो अपना रक्त गिराते थे। फिर उस रक्त की स्याही में वो अपना कलम डुबाते थे और आजादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। आजादी के परवानों पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा हिंदुस्तान का विश्व नया, जहाँ महारणवीरों ने लिखा अपने खून से भारतीय इतिहास नया। जय हिंद, जय भारत। മലയാളത്തിൽ ഒരു വാചകമാണ്, വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു വാചകമാണ്, പൊലിഞ്ഞുപോയ ജീവനും വാർത്തൊഴുകിയ രക്തവും ചതച്ചരയ്ക്കപ്പെട്ട മാംസ കഷണങ്ങളും തല്ലിയൊടിക്കപ്പെട്ട ഇല്ലൻ കൂട്ടങ്ങളും തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ട മാതൃത്വങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം വെള്ളവും വളവുമാക്കി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വളർന്നു വന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരനായ പോരാളിയായിരുന്നു നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്. Netaji Subhash Chandra Bose will be remembered as a key figure in India's struggle for freedom, as an undisputed leader of the Indian masses, as a leader who inspired millions of people to fight against the British, as a diplomat who worked among nations to liberate India, as a revolutionary agitator who formed Azad Hind Fauj, and of course as a great son of Mother India. जब पूरे विश्व में ब्रिटिशर्स का जो एम्पायर था उस एम्पायर को चैलेंज करना था और एक आदमी था जो हिंदुस्तान का, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो जनमानस का जो थॉट प्रोसेस था उसको चेंज कर दिया, उसको बदल के रख दिया और सही रास्ता दिखाया। तो आज के दिन हम सभी लोग नेताजी को याद करें,
और उन्होंने जो हमें देशभक्ति का जो पाठ दिया है, इसको हमेशा संजोए रखें।